सभी साथियों को जय भीम। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती जो 129वीं जयंती होगी उसी कड़ी में आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। वही हर रोज की भांति हम शुरुआत करना चाहेंगे एक कविता से। मेरी अपनी स्वरचित कविता है एकलव्य। एकलव्य, अकेले नहीं हो तुम, तुम्हारा तर्कश भी नहीं। एकलव्य, अकेले नहीं हो तुम, तुम्हारा तर्कश भी नहीं। एकलव्य, तुम्हारे तीरों की नोक ने बींध कर रख दिया है थोपी गई संस्कृति को। सभ्य कहे जाने वाले उस समाज को बदल गया है इतिहास, लौटा लाए अपनी संस्कृति को। झूठ, फरेब, पाखंड नहीं है हिंसा तुम्हारे पूर्वजों का, गवाह हैं इसके पेड़ पौधे, डाल डाल, पत्ते पत्ते, जिन्हें बींध दिया था तुमने अपनी प्रतिभा से। एकलव्य, अकेले नहीं हो तुम, तुम्हारा तर्कश भी नहीं। एकलव्य, चीख चीख कर आज मोहर लगा रहे हैं तेरी कुर्बानी पर। मेरिट की शुरुआत हुई थी ना यहीं से, तुम्हारे विरुद्ध। सदियां देंगी गवाही अपना इतिहास बनाकर, देना होगा हिसाब हर अन्याय जुल्म का। एकलव्य, देख रहे हो तुम, एकलव्य देख रहे हो तुम, उगाए हैं सैकड़ों करोड़ों हाथ विद्रोहों के स्वर को मुखर करने के लिए, विद्रोहों के स्वर को मुखर करने के लिए। ये मेरी छोटी सी अपनी लिखी हुई कविता थी। आज हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वांग्मय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक बार फिर आपके सामने जो देश के जो हालात हैं, जिस तरीके के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, उनसे सावधानी की अपील करती हूँ। और अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो हमारे सामने है, हमारा आदर्श है। मैं हालांकि ये अनुरोध कर रही थी कि अगर लॉकडाउन 14 की बजाय 15 को हो जाता तो ज़्यादा ठीक, 15 के बजाय 14 को होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो हमारे लिए कम से कम एक भगवान से कम नहीं है, हमारे लिए भगवान की तरह हैं, उनके दिन को हम लोग भी इकट्ठे होकर सेलिब्रेट कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, हम जिस तरीके के से दौर से गुजर रहे हैं, हम ऑनलाइन ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साहित्य पर चर्चा करेंगे। उसी चर्चा की कड़ी में आज हम राम बाबू गौतम जी मेरे साथ हैं यूएसए से, जो कविताएं लिखते हैं, अपने अम्बेडकरवादी चिंतक हैं। उनकी कविता का छोटा सा पाठ मैं आपके सामने करना चाहूँगी। उससे पहले मैं आप सब से ये निवेदन करती हूँ कि जो हमारे तमाम जो विदेशों में रहने वाले जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो अपने समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो हमारे तमाम पूरे विश्व में फैले हुए लोग हैं, वो सावधानी बरतें, इकट्ठे रहें, अपने परिवार के साथ इकट्ठे रहें, बाहर ना निकलें, ये दौर भी गुजर जाएगा। राम बाबू गौतम जी लिख के उन्होंने आज मुझे कविता भेजी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गौतम जी फेसबुक पे मुझे लाइव देखते आ रहे हैं हर रोज़, उन्होंने कहा कि मेरी कविता भी है, आप उस कविता का वाचन करें। आज हाथ में पेन है, उनकी कविता का शीर्षक है, बहुत अच्छा शीर्षक है। आज हाथ में पेन है, बाबा साहब की देन है, आज हाथ में पेन है। गुरुकुल की शिक्षा से वंचित था, मनुवादियों ही शिक्षा का केंद्र था। ये मुझे उन्होंने, क्योंकि हाथ से लिखी है, मुझे समझ नहीं आ रही उनकी हैंडराइटिंग, थोड़ा सा समझने में दिक्कत है। खैर, माफी चाहूंगी, मैं उनको निवेदन करूंगी कि वो मुझे लिख के भेजें। एक छोटा सा उनकी जो छोटी सी दो लाइनें हैं वो फिर भी मुझे थोड़ी सी ठीक दिखाई दे रही है मेरे व्हाट्सएप पे जो यूएसए से भेजा है सीधा। जिस आज़ादी में आज़ाद नहीं हूँ फिर भी आज़ाद लिखा मैंने, जिस आज़ादी को फांसी पे लटका उसके खून को फलाद लिखा मैंने, संविधान की आज़ादी पर मेरा हक पूरा पूरा हक बनता है अधिकारों का, आज़ादी देने को संविधान लिखा तब डॉक्टर अंबेडकर की औलाद लिखा मैंने, तब डॉक्टर अंबेडकर की औलाद लिखा मैंने। गौतम जी से मैं माफ़ी चाहूँगी, उनके कविता जो उन्होंने क्योंकि हाथ से लिख के भेजी है तो मुझे थोड़ा पढ़ने में आज दिक्कत थी,
कल हम फिर या फिर जब भी वो मुझे टाइप करके भेजेंगे उनके बारे में लिखेंगे। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भाईचारे को सम्मिलित सम्मानित स्थान दिया जाए। एक नन्ही सी किरण अपनी साधना से एक सूरज कैसे बन जाती है, यह देखना हो तो डॉक्टर अंबेडकर की साधना को देखना चाहिए। एक नन्ही सी बूंद एक विशाल समुद्र का रूप कैसे लेती है, इस रहस्य को समझना हो तो डॉक्टर अंबेडकर की जीवन शैली को देखना चाहिए। एक नन्हा सा बीज एक विशाल वृक्ष का रूप कैसे लेता है, यह समझना हो तो डॉक्टर अंबेडकर की जीवन दृष्टि को समझना चाहिए। अस्पृश्यता एक ऐसा ही अंधा कुआं है। कुएं में गिरे आदमी को लेकर चिंता के दो स्तर हैं। एक चिंता उस व्यक्ति की चिंता है जो कुएं के भीतर गिरा हुआ है और कुएं से बाहर निकलने की कोशिश में हलकान और लहूलहान हो रहा है। दूसरी चिंता उस व्यक्ति की चिंता है जो कुएं की मुंडेर पर खड़ा होकर कुएं में गिरे व्यक्ति को बचाने के लिए गुहार मचा रहा है। कुएं में गिरा आदमी अछूत है और कुएं की मुंडेर पर खड़ा आदमी सवर्ण है। अछूत की चिंता आहत की चिंता है और सवर्ण की चिंता सदाशयी की चिंता है। यकीनन दोनों चिंताओं के आयाम भिन्न भिन्न हैं। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के ही नहीं हिंदू समाज में व्याप्त पाखंड और जातीय धम्म के विरोधी थे। उनका आक्रोश कथनी करने के उस भेद के प्रति था। माफी चाहूंगी, कुछ साथी मुझे बता रहे हैं कि आवाज कम आ रही है लैपटॉप से। यस, मुझे लगता है अब आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही होगी सीधे रूप से। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के नहीं हिंदू समाज में व्याप्त पाखंड और जातीय धर्म के विरोधी थे। उनका आक्रोश कथनी और करने के उस भेद के प्रति था जो चींटियों को आटा गिराने, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने की प्रेरणा तो देता है, लेकिन एक अछूत के साथ पशु से भी गया बीता व्यवहार करता है। एक बार मिलिंद महाविद्यालय के प्राध्यापक टकार ने डॉक्टर अंबेडकर से पूछा, आप ब्राह्मणों के विरुद्ध क्यों हैं? बाबा साहब मिलिंद महाविद्यालय के उस वक्त प्राचार्य थे। उनका उत्तर था, बेटे यदि मैं ब्राह्मणों और हिंदुओं के विरुद्ध होता तो तुम यहाँ कॉलेज की नौकरी में नहीं होते। ये था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक दृष्टिकोण, विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण। जो बार बार ये कहा जाता है कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर हमेशा दलितों के ही मसीहा रहे, राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका एक तरह से दलितों की पहचान के रूप में आंकी गई। मुझे लगता है आप सब की आवाज, आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही होंगी। विजय बोध भाई साहब बताइए कि आपको अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपर? जबुल्ला राम जी एक बार बताएंगे कि मेरी आवाज आपको आ रही है? अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही हो, मैं थोड़ा सा और कोशिश करती हूँ इसको ठीक करने की। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी आवाज अब ठीक आ रही होगी। मुझे अच्छा लग रहा है आज मुगलन भारती जी भी मेरे साथ जुड़े हैं जो मेरे जेएनयू के साथी रहे हैं। जिस प्रकार अपने जीवन का खतरा उठाते हुए माँ अपने शिशु की देखभाल करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्राणियों के प्रति अपार प्रेम प्रदान करने के लिए मन बनाना चाहिए। उसे संपूर्ण विश्व के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, ऊपर नीचे और उस पार सभी के लिए। उसके मन में घृणाहीन और शत्रुता रहित अबाध प्रेम होना चाहिए। ऐसी जीवन पद्धति विश्व में सर्वोत्तम है। सुशील भाई साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। मैं सुशील भाई साहब जी से निवेदन करूंगी कि आपको आवाज अब मेरी सुनाई दे रही है प्रॉपर? भाई साहब आजकल बहुत दूर हैं भारत से। मैं आपसे आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप ऐसे संकट के दौर में सुरक्षित रहें और घर पर रहें। मैं समझ सकती हूँ कि एम्बेसी में शायद घर पर रहना बड़ा मुश्किल हो। सुनाए जी। विजय सोलंकी जी ठीक आ रही है मेरी आवाज आपको? आज हम पढ़ेंगे, पाठ करेंगे संपूर्ण वांग्मय का, डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वांग्मय का खंड 19 का भाग, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का
1942 और 46 के दौरान महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार ज्ञापन उन्होंने जो समय समय पर दिया और उनके क्या वक्तव्य रहे। मुकेश मैं निवेदन करूंगी कि एक बार साउंड चेक करके मुझे बताएं आवाज ठीक आ रही है। जी हम बात कर रहे थे कि 1942 और 46 के दौरान जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पत्र व्यवहार था, ज्ञापन जो उन्होंने दिए, वक्तव्य दिए, उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। उस चर्चा में जो महत्वपूर्ण पक्ष होगा वह ये कि जो गोपनीय परिचालन के लिए जो नहीं थे, ज्ञापन गोपनीय थे, गोपनीय परिचालन के लिए नहीं, अनुसूचित जातियों की शिकायतें द्वारा महामहिम गवर्नर जनरल को 29 अक्टूबर 1942 को प्रस्तुत किया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो ज्ञापन था 29 अक्टूबर 1942 को दिया गया था। वह ज्ञापन क्या था इसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास अनुसूचित जातियों की जो शिकायतें आती थी, उस ज्ञापन में ब्रिटिश इंडिया में रहने वाली अनुसूचित जातियों की शिकायतें दी गई हैं और उन उपायों का सुझाव दिया गया है जो उन शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक है। मैंने इन शिकायतों की सूची बनाते समय ऐसी शिकायतों का उल्लेख किया है जो केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। इस ज्ञापन में सूचीबद्ध शिकायतों को 3 वर्गों में बांटा गया है, अर्थात राजनीतिक, शैक्षिक और अन्य। राजनीतिक क्या शिकायतें थी, दलितों की, अनुसूचित जातियों के, शैक्षिक क्या समस्याएं थी और अन्य शिकायतें क्या थी, इस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सूचीबद्ध किया और उन पर अलग अलग विचार किया। अध्याय 1 के संपूर्ण भाग में खंड 19 के अध्याय 1 में राजनीतिक शिकायतों का वर्णन किया गया। अध्याय 2 में शैक्षिक शिकायतें तथा अध्याय 3 में अन्य शिकायतें दी गई हैं। मैंने अध्याय 4 भी सम्मिलित इसमें कर लिया है, जिसे मैंने उस कर्तव्य के बारे में बताने का साहस किया है जिसे प्रत्येक सरकार ऐसे लोगों के साथ निभाए जो अनवरत विपन्नता का जीवन जी रहे हैं, और मुझे आशा है कि भारत सरकार इसको मान्यता देगी और वह काम करेगी जो अनुसूचित जातियों के लिए करना चाहिए। इस प्रकार यह ज्ञापन 4 अध्याय में विभाजित किया गया। मैं जो आपके सामने जो चर्चा कर रही हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ज्ञापन दिया था अनुसूचित जाति के शिकायतों के लिए, उसी संदर्भ में राजनीतिक शिकायतें क्या थी मैं उसका वर्णन करती हूँ। राजनीतिक शिकायतें बाबा साहब के जो ज्ञापन में थी वह थी केंद्रीय विधानसभा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। जाहिर सी बात है आज का जो दौर है इसमें भी कहीं ना कहीं ये चीजें आज भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। महत्वपूर्ण बात हमारे सामने ये भी है, सवाल हमारे सामने ये भी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गुजरे जमाने की बात नहीं है, बल्कि उनके द्वारा कहा गया हर एक वाक्य, अगर मैं संस्कृत ग्रंथों का उदाहरण लूं जिसको ब्रह्म वाक्य बोलते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हर वाक्य हमारे लिए ब्रह्म वाक्य की तरह है। आज भी कार्यपालिका, विधानपालिका, न्यायपालिका में जो अंदर जो इनकी मीटिंग्स, जो अंदर जो कमेटीज बनी होती हैं उनमें आज भी अभाव देखा जा सकता है। इसलिए उस वक्त भी बाबा साहब ने इस समस्या की तरफ ध्यान दिया था और वह थी केंद्रीय विधानसभा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। दूसरा, केंद्रीय कार्यपालिका में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। तीसरा, लोक सेवा में प्रतिनिधित्व का अभाव। चौथा, संघ लोक सेवा आयोग में प्रतिनिधित्व का अभाव। देखिए, अगर जब आप प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, जिसको बाद में आरक्षण शब्द भी प्रयोग में लाया गया, सबसे पहले जो प्रतिनिधित्व दिया गया था वो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, इससे और ज्यादा विस्तार से इस पर पढ़ने की जरूरत है। मैं कोई अपना जजमेंट नहीं दे रही इसमें, बस बताना चाहती हूँ कि जो सबसे पहले जो प्रतिनिधित्व का जो सवाल उठा था वह सामान्य वर्ग के द्वारा जो लोक सेवा आयोग था, संघ लोक सेवा आयोग था, जिसका ट्रस्ट बाहर होता था विदेशों में, लंदन जैसी जगहों पे, वहां पर जाकर वो टेस्ट दिया जाता। तो हमारे लोगों ने ये मांग की थी, भारतवासियों ने, कि उस टेस्ट को यहाँ कंडक्ट किया जाए और उस टेस्ट में एक तरह से प्रतिनिधित्व दिया जाए भारतीय जनता का। तो यहाँ राजनीतिक शिकायतें दी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, शिकायतें मोटे रूप से जो थी वो मैंने आपके सामने रखी। अब हम आते हैं जो मूल जो शिकायत है, जो मूल मंत्र बाबा साहब का था, शिक्षित बनो। शिक्षित बनो की जो शिकायतें थी क्या थी, उच्च शिक्षा के लिए सहायता का जो अभाव था उसमें,
अनुसूचित जाति के लड़कों में उच्च शिक्षा की प्रगति को देखा जाए तो ये निष्कर्ष निकलते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर निष्कर्ष निकालते हैं। नंबर वन, कला और विधि के विषय में शिक्षा संतोषजनक रूप से प्रगति कर रही है। दो, विज्ञान और इंजीनियरिंग में शिक्षा ने कोई प्रगति नहीं की है। नंबर तीन, विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा पहुंच से बाहर है। इस सोचने स्थिति के बारे में उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए। लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रवेश में प्रश्न पर विचार विमर्श करते समय यह तथ्य उभरा कि यह बात महत्वपूर्ण रूप से लोक सेवा अधिकारियों की सहानुभूति पर आश्रित है। यदि इसे सहभागितापूर्ण सहानुभूतिपूर्ण बनाना है तो देश के राष्ट्रीय जीवन के अलग अलग तत्वों का इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और विशेषकर अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व अवश्य दिया जाना चाहिए। इस कथन के साथ यह भी कहना होगा कि यदि अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व लिपिक वर्गीय पदों तक ही सीमित किया गया तो इसका कोई परिणाम नहीं आएगा, चाहे कितने पद ही क्यों न दिए जाए और उन पदों को अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को दिया जाए। यह इस बात इस दृष्टि से ठीक हो सकती है कि शिक्षित युवाओं को इसमें जीविका उपलब्ध हो सकती है, परंतु इसका प्रभाव अनुसूचित जातियों की दशा पर नहीं पड़ सकता। इसलिए जो बार बार जो मेरे समय के जो लोग हैं जो आंदोलन में है, प्रोफेसर विवेक कुमार हुआ, तमाम जितने हमारे लोग हैं, कमल भारती जी, अजय नवरिया जी, हीरालाल राजस्थानी जी, कला चौहान जी, प्रोफेसर विमल तुराट, प्रोफेसर सुशीला टाकबोरे, प्रोफेसर हेमलता महेश्वर, तमाम जो मेरे दौर के जो जो लोग हैं जो बार बार इसी प्रश्न की तरफ इशारा करते हैं कि हमें पॉलिसी मेकिंग में पहुंचने की जरूरत है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी उस वक्त कहा था 1942 और 1946 का जो दौर था। अनुसूचित जातियों की प्रतिष्ठा और दशा केवल उसी समय सुधरेगी जब अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों को लिपिक वर्ग के सेवाओं से हटकर कार्यकारी पदों पर नियुक्त किया जाए। हालांकि मुझे इसमें कोई दोराय नहीं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बदौलत आज हम लोग वहां पर भी पहुंचे हैं। बीपी अशोक जी जैसे लोग, कृष्ण कुमार जी जैसे लोग, रवि जी जैसे लोग और भी तमाम जितने भी हमारे यहाँ हैं वो लोग वहां तक पहुंचे हैं, लेकिन तभी हमें एक मूल परिवर्तन गामी दिशा की तरफ समाज की दशा को बदलने में सहायक होंगे। राज्य के मामलों को नवीन दिशा दी जा सकती है इससे जब आप उच्च पदों पर बैठेंगे। कार्यकारी पद की प्राप्ति के लिए स्पष्टता उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे पद केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दिए जाएंगे जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नंबर तीन, कला और विधि के विषयों में शिक्षा अनुसूचित जातियों के लिए अधिक मूल्यवान नहीं हो सकती, चाहे वह शिक्षा स्नातकों को दी जाए अथवा लोगों को। इस शिक्षा का मूल्य हिंदुओं के लिए भी अधिक नहीं है। अनुसूचित जातियों के विज्ञान और टेक्नोलॉजी में उन्नत प्रकार की शिक्षा अधिक सहायक होगी, परंतु यह स्पष्ट है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शिक्षा अनुसूचित जातियों के साधनों से परे है और यही कारण है कि अनेक लोग अपने बच्चों को कला और विधि के विषय में अध्ययन करने के लिए भेजते हैं। सरकारी सहायता के बिना विज्ञान और टेक्नोलॉजी की उन्नत शिक्षा का क्षेत्र कभी भी अनुसूचित जातियों के लिए सुलभ नहीं होगा और यह केवल न्यायसंगत और उचित है कि केंद्र सरकार इस संबंध में उनकी सहायता के लिए आगे आए। इस समस्या का समाधान हो जाएगा यदि आगे दिए गए प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकार किए जाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कुछ प्रस्ताव रखे थे ताकि उनकी दिशा में मूलगामी परिवर्तन हो। नंबर वन, अनुसूचित जातियों के उन विद्यार्थियों को 2,00,000 रुपए की छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष दी जाए जो विश्वविद्यालयों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम में अथवा भारत के अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लें। नंबर दो, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को विज्ञान और टेक्नोलॉजी की शिक्षा के लिए इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका और डोमिनियन के विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियों पर 1,00,000 रुपए वार्षिक अनुदान व्यय किया जाए। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो भारत सरकार को इस उत्तरदायित्व के निभाने के लिए को रोक सके। यह सत्य है कि शिक्षा जहां तक कानून बनाने का संबंध है केंद्रीय विषय नहीं है, फिर भी भारत सरकार अधिनियम की धारा 150 में कहा गया है कि केंद्र सरकार किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुदान दे सकती है, चाहे वह ऐसा उद्देश्य क्यों ना हो जिसके संबंध में केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विधानसभा
एक कानून बना सके। इस शक्ति का प्रयोग भारत सरकार द्वारा दिया गया है ताकि शैक्षणिक संस्थानों की सहायता की जा सके। नीचे ऐसे शैक्षणिक संस्थाओं की सूची दी गई है जो केंद्र सरकार के प्रशासन क्षेत्र से बाहर है और जिन्हें केंद्रीय राजस्व से सहायक अनुदान प्राप्त होते हैं। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरा एक आंकड़ा दिया है जो मुझे लगता है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि बिना आंकड़ों के आप अपनी बात सतही रूप से कह सकते हैं लेकिन एक जो अनुसंधान का जो एक दृष्टिकोण होता है वह आपके पास नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो राशि का जो बंटवारे के ऊपर जो बात करते हैं वो कहते हैं कि शैक्षिक संस्थाएं भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई में प्रतिवर्ष कितनी है, वर्ष 1937-38 और 1941-42 में इस संस्था को 50,000 रुपए की अनावर्ती अनुदान दिए गए। नंबर दो, विश्व भारती शांति निकेतन को 25,000 रुपए दिए गए। नंबर तीन, एंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड इंडिया को 1,000 रुपए दिए गए। नंबर चार, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन शिक्षा के लिए प्रातः बोर्ड 3600 रुपए दिए गए। नंबर टू, वैज्ञानिक संस्थाएं विज्ञान की प्रोन्नति के लिए भारतीय संघ कलकत्ता को 18,000 रुपए दिए गए वित्तीय राशि प्रतिवर्ष। रॉयल एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता को 2500 रुपए दिए गए। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता को 37,000 रुपए दिए गए। विज्ञान का भारतीय राष्ट्रीय संस्थान जो कोलकाता है उसको 6,000 रुपए दिए गए। विश्वेश्वरानंद वैदिक अनुसंधान संस्थान शिमला को 2500 रुपए। विज्ञान का भारतीय संस्थान बेंगलोर को 1,50,000 रुपए दिया गया। भंडारकर प्राच्य विद्या अनुसंधान संस्थान पूना को 4,000 रुपए दिए गए। बोस रिसर्च संस्थान कोलकाता को 45,000 रुपए दिए गए। विविध में इंडियन नंबर वन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को 2,000 रुपए दिए गए। गर्ल गाइड्स एसोसिएशन इंडिया को 2,500 रुपए दिए गए। वार्षिक आवर्ती अनुदानों का जो कुल योग है वो 2,99,100 रुपए हैं 1937 और 1938 और 1942 इसमें ये आंकड़ा है जो आप जिसको आप सोच सकते हैं कि ये कैसा होगा। इसमें यह है वार्षिक राज सहायता सम्मिलित नहीं की गई है जो भारत सरकार मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ को 3,00,000 रुपए और हिंदू विश्वविद्यालय बनारस को 3,00,000 रुपए देती है। देश और विदेश में उच्च शिक्षा के मामले में अनुसूचित जातियों को सहायता दिए जाने के दावे को केंद्र सरकार द्वारा इन दोनों विश्वविद्यालयों को भारी वित्तीय सहायता दिए जाने से बल मिलता है। इन विश्वविद्यालयों को दिए जाने वाला वास्तविक अनुदान हिंदू और मुसलमान समुदाय को उच्च शिक्षा की सहायता के लिए प्रदान किया जाता है। ऐसी स्थिति में कोई कारण नहीं है कि केंद्रीय सरकार प्रति वर्ष इस प्रकार का 3,00,000 रुपए का अनुदान प्रदान न करे जिसमें अनुसूचित जातियों में उच्च शिक्षा को प्रोन्नत किया जा सके। यदि सरकार अनुसूचित जातियों की प्रतिष्ठा उन्नत करने में रुचि लेती है जैसा कि उसने प्राय इस कार्य को अपना कर्तव्य घोषित किया है तो अब समय आ गया है कि इस प्रकार की व्यवस्था केंद्रीय सरकार के शिक्षा बजट में अनुसूचित जातियों को दी जाए। यदि इस योजना को प्रभावी बनाया जाता है तो अनुसूचित जातियों की दिशा और प्रतिष्ठा में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। अनुसूचित जातियों को इससे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। वे इस बात के लिए भी तैयार हैं कि इस योजना को अनुदानों की पद्धति न मानकर ऋण पद्धति बना लिया जाए। अनुसूचित जातियों के जिन लड़कों को ये छात्रवृत्तियां मिलेगी वे इस लाभ उठाने में प्रसन्न होंगे चाहे वह राशि उनको उस समय वापिस ही क्यों न करनी पड़े जब वे रोजगार में लग जाएं अथवा उन्हें कम वेतन के वेतनमान में सेवा करने का अवसर मिले। सरकार को इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए यदि किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 8, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उन्नत वैज्ञानिक और तकनीक शिक्षा देने में सहायता के उद्देश्य से मैं अन्य दो प्रस्ताव और प्रस्तुत करता हूँ। नंबर 1, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए स्कूल ऑफ माइंड्स में व्यवस्था हो। इंडियन स्कूल ऑफ माइंड्स भारत सरकार के नियंत्रण में है जो धनबाद में स्थित है। ये हमारे लिए एक बड़ा विषय है आज भी समझने का, एक सुधार्थी होने के नाते एक
जो हमारे तमाम जो छात्र जो पढ़ रहे हैं इस बात को सुन रहे होंगे कि यह स्कूल खनन इंजीनियर और भू विज्ञान में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में दिए जाने वाले प्रशिक्षण का उद्देश्य उन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है जो भारत में कोयला खनन उद्योग और अन्य खनिज उद्योगों में सेवा कर सकते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में इस प्रकार का प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों की वर्तमान संख्या 97 है। पूछताछ करने में विदित हुआ कि 97 विद्यार्थियों में से कोई एक भी विद्यार्थी अनुसूचित जाति का नहीं है। यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा कुछ विशेष उपाय किए जाएं ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के लाभ उठा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक होगा। नंबर 1, अनुसूचित जाति के ऐसे लड़कों के लिए कुछ सीटों का आरक्षण जिन्हें प्रवेश पाने के लिए आवश्यक शिक्षा का न्यूनतम स्तर प्राप्त है। नंबर 2, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नंबर 3, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था हो। यह दावा करना अतिरेक कथन नहीं होगा कि अनुसूचित जातियों के लिए प्रवेश हेतु कुल 10% सीटें आरक्षित की जाए। यह एक ऐसा मामला है जो श्रम विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है, परंतु यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका संबंध वित्त विभाग से है, क्योंकि निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और छात्रवृत्तियों से सरकार के राजस्व में हानि होती है, परंतु इन साधनों के कारण हानि बहुत अधिक नहीं होगी। औसतन वार्षिक शुल्क लगभग 60 रुपए प्रति मास होगा, जो स्कूल ऑफ माइंस के प्रति विद्यार्थियों के लिए व्यय करना होगा, और जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक महीने प्रत्येक विद्यार्थी 60 रुपए का खर्च आएगा। एक अन्य प्रस्ताव जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं वो इस प्रकार है। शिक्षा स्वास्थ्य और भूमि विभाग के प्रभारी माननीय सदस्य अध्यक्ष बोर्ड का गठन इस प्रकार से हो। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व दिया जाए। बोर्ड का गठन इस प्रकार से हो। शिक्षा स्वास्थ्य भूमि विभाग में प्रभारी माननीय सदस्य भारत सरकार के शिक्षा आयुक्त, भारत सरकार के 10 प्रतिनिधि जिसमें कम से कम एक प्रतिनिधि महिला होगी। काउंसिल ऑफ स्टेट द्वारा चयन किया गया काउंसिल ऑफ स्टेट का एक सदस्य, विधानसभा द्वारा चुने गए विधानसभा के 2 सदस्य, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा नामांकित इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ इंडिया के 3 सदस्य। नव गौतम जी मेरे बीच में, मैं माफी चाहूंगी पाठ का वाचन बीच में रोक रही हूँ, नव गौतम जी मेरे विचार इसके बारे में सुनना चाहते हैं। हम लोग इंटरकास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो 1942 और 1946 के बीच का पत्र व्यवहार है जो मांगों पर आधारित था उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए, अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल की होगी, उससे पहले तक हम तमाम जितने, क्योंकि 21-22 वॉल्यूम को इन 10-12 दिन में ही कवर करना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात का मान रखती हूँ और हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इंटर मैरिज से संबंधित थॉट है। मैं एकदम टेक्स्ट के ऊपर बात कर रही हूँ, इसमें मेरा अपना कोई विचार नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय में जो दिया गया है उसका वर्णन मैं आपके सामने यहां कर रही थी। माफी चाहूंगी मैंने बीच में आपको रोक दिया। मैं बात कर रही थी बोर्ड के गठन कैसे हों, और तमाम मेरे श्रोताओं से भी मैं निवेदन करूंगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो सरकारी गठन में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व चाहते थे, इसलिए मैंने तमाम जितने भी ऑर्गेनाइजेशन दलितों के बहुजनों के काम कर रहे हैं उनमें मैं निवेदन करूंगी कि महिलाओं का अपने संगठनों में, ना कि वक्ता के रूप में या फिर दर्शकों के रूप में, इनको इनसे आगे बढ़िए। आज हम 21वीं सदी में हैं और बाबा साहब अम्बेडकर की 129वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, तो कुछ तो परिवर्तन हमारे बीच में भी आना चाहिए। तो इसलिए मैं तमाम मेरे सुनने वाले जो आम जो जो संगठनों में काम करने वाले लोग हैं उनको, उनसे निवेदन करूंगी कि अपने संगठनों में महिलाओं को बराबर की भागीदारी दे, उच्च प्रतिनिधित्व रखें। बंते चंद्र कीर्ति जी को मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने पिछले दिनों इंटरनेशनल बुद्धिस्ट वुमेन कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। ऐसी महिलाओं के ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम करने की जरूरत है अलग से भी, लेकिन अलग से भी इतनी पॉसिबिलिटी अगर इतनी जल्दी ना होती हो तो हमें कम से कम जो संगठन है हमारे उनमें महिलाओं को जरूर भागीदारी देना चाहिए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस बोर्ड के गठन की बात कर रहे हैं उसमें चाहते हैं कि प्रत्येक स्थान सरकार का एक प्रतिनिधि थी, प्रत्येक स्थानीय सरकार का एक प्रतिनिधि थी, जो शिक्षा का प्रभारी मंत्री अथवा उसको उपमंत्री या डायरेक्टर ऑफ पब्लिक
इंस्ट्रक्शन या उसका डिप्टी डायरेक्टर अथवा ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जिसे प्रांतीय सरकार ही हेतु नामांकित करे। अब बोर्ड के कार्य किस प्रकार से हों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो शिक्षा के संबंध में जो बातचीत थी उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बोर्ड के कार्य में सबसे पहले किसी भी ऐसे शैक्षिक प्रश्न पर परामर्श देना जो भारत सरकार अथवा स्थानीय सरकार द्वारा उसको भेजा जाए, भारत के लिए विशेष रूप से हितकारी और लाभदायक शैक्षिक विकास के संबंध में सूचना व सलाह देना, भारत सरकार और स्थानीय सरकारों को अपनी सिफारिशों के साथ उस सूचना को परिचालित करना और इससे पूर्व उस सूचना की जांच करना, बोर्ड के कार्यकलापों से यह स्पष्ट रूप से विदित है कि बोर्ड अनुसूचित जाति की शैक्षिक समस्या का अध्ययन कर सकता है क्योंकि यह स्थिति विशेष हित की है और वह इस संबंध में सिफारिशें कर सकता है और इस बारे में केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों को सलाह दे सकता है। अनुसूचित जातियों में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए सरकारों और विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित करने के का विशेष महत्व है। फिर भी सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि बोर्ड को अनुसूचित जातियों जैसे विशेष वर्ग की शैक्षिक समस्या के रूप में रुचि लेनी चाहिए। यह तभी संभव होगा जब बोर्ड में अनुसूचित जाति के सदस्यों का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यह तभी संभव होगा जब बोर्ड में अनुसूचित जाति के दो प्रतिनिधियों को बोर्ड में नामांकित किया जाए। अब टेक्नोलॉजी वाली जो शिक्षा थी, तकनीकी प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं का अभाव कैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उठाते हैं। आर्थिक दशा सुधारने की दृष्टि से अनुसूचित जातियों को साहित्यिक शिक्षा की तुलना के साथ साथ तकनीकी शिक्षा देना अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु तकनीकी शिक्षा बहुत महंगी है और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए संभव नहीं है कि वे तकनीकी शिक्षा ले सकें, किंतु तकनीकी शिक्षा के बिना उनका आर्थिक दशा नहीं सुधर सकता। सामाजिक पद्धति के कारण अनुसूचित जातियों का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत नीचा स्थान है। समृद्धि के समय उसे बाद में रोजगार दिया जाता है और मंदी के समय उसे सबसे पहले रोजगार से अलग कर दिया जाता है। ये हमारे लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक होगा जिस तरीके से हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं या भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना की वजह से भी नीचे आ रही है, पूरे विश्व की ही अर्थव्यवस्था नीचे है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मार पड़ेगी वो उन तबकों पर पड़ेगी जो प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो गरीब है, जो डिप्राइव्ड है। तो इसलिए इसी की तरफ उस वक्त भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इशारा किया था कि समृद्धि के समय और उसे सबसे बाद में रोजगार दिया जाता है, किसको, डिप्राइड सेक्शन को, और मंदी के समय उसे सबसे पहले रोजगार से अलग कर दिया जाता है। इसलिए अवेयर रहें। अलबत्ता यह उन हिंदुओं के सामाजिक मानसिकता के कारण है जो अनुसूचित जातियों के विरुद्ध भेदभाव करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि उनका हिंदुओं के प्रति कोई वैरभाव नहीं है बल्कि उन लोगों के प्रति है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं जो अनुसूचित जातियों के विरुद्ध भेदभाव बरतते हैं। परंतु एक अन्य कठिनाई भी है जो उनके मार्ग को अवरुद्ध करती है और वह ये कि लोग सामान्य और अकुशल श्रमिक हैं, उनके पास कोई भी तकनीकी ज्ञान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार उनके भाग्य को सुधारने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। यदि उन्हें तकनीकी कौशल उपलब्ध करा दिया जाए तो उनके पास इस समय नहीं है उसके लिए उनका एक बहुत बड़ा योगदान वो भारत को दे सकते हैं। भारत सरकार द्वारा नियंत्रित और चलाए जाने वाले उन व्यवसायों में अनुसूचित जाति के लड़कों को परीक्षार्थी के रूप में रखा जा सकता है जहां तकनीकी प्रशिक्षण देने की संभावनाएं विद्यमान हैं। मैं केवल दो व्यवसायों का संदर्भ देना चाहता हूं। नंबर वन, सरकारी प्रिंटिंग प्रेसों में परीक्षार्थी। ऐसे कई प्रिंटिंग प्रेस हैं जो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं। यह कार्य एक दक्षता का कार्य है जो उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें प्रेस कार्य में प्रशिक्षित किया गया हो, जैसे कंपोजिटर, प्रिंटर, बाइंडर आदि। कोई कारण नहीं है कि भारत सरकार ऐसी कोई योजना न बनाए जहां अनुसूचित जातियों के योग्य बच्चे उपयुक्त व्यवसायों में जिनका संबंध प्रिंटिंग ट्रेंड से है परीक्षार्थी के रूप में काम कर सके। नंबर टू, रेलवे वर्कशॉपों में परीक्षार्थी। भारत की रेलें अधिकांशतः भारत सरकार के हाथ में है और भारत सरकार ऐसी वर्कशॉप चलाती है जहां फिटर,
बढ़ई और अन्य तकनीशियन काम पर लगाए जाते हैं, और मुझे मालूम नहीं है क्या रेलवे विभाग के पास ऐसे परीक्षार्थियों के लिए जाने की योजनाएं हैं जिन्हें रेलवे में बाद में काम पर लगाने के लिए तकनीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया जा सके, परंतु ऐसी कोई योजना अस्तित्व में न हो फिर भी यह आवश्यक है कि अनुसूचित जातियों के लाभ के लिए ऐसी योजनाएं बनाई जाएं। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक प्रशिक्षार्थी योजना हाथ में ले ली जाए जिसके माध्यम से अनुसूचित जातियों के अनेक लड़कों को प्रतिवर्ष प्रेस और रेलवे वर्कशॉप में प्रशिक्षण के लिए रखा जाए। इस पर ज्यादा व्यय भी नहीं होगा। अन्य बहुत सारी शिकायतें हैं प्रचार के मामले में जो लापरवाही है, इसके ऊपर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विस्तार से लिखा है। सरकारी ठेकों में बंद जो द्वार है उस सरकारी ठेकों में जो बंद है उसके ऊपर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, और पीड़ित लोगों के प्रति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ये कहा गया कि सरकार के ये कर्तव्य बनते हैं, और उसमें सबके बारे में वर्णन किया गया है। जो 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 हमारा जो आम जो आम वर्ग है वो, और जो डिप्राइड सेक्शन है वो, महिलाएं हैं वो, सबके बारे में क्या क्या उनके उनके जो एक तरह से उनका उनका जो स्टेटस है उस स्टेटस के बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। मैं बस 5 मिनट और आपके लेना चाहती हूँ। सत्ता हस्तांतरण संबंधी महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, यानी कि जब अंग्रेज भारत को आजाद करके सत्ता भारतीयों के हाथ में सौंपना चाहते थे, उस वक्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो पत्र व्यवहार था वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जो बार बार एक तरह से आरोप लगा दिया जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अंग्रेजों के पिट्ठू थे या राष्ट्र विरोधी थे, ये एक तरह से बिल्कुल बोगस एक तरह से बात है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण बांग्वे को नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो शायद इस बात का वो जिक्र ना करते। इसमें सर एम स्क्रिप्स की जो टिप्पणी है, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर और राजा जी के साथ उनका साक्षात्कार है, उस पर सर एस क्रिप्स ने टिप्पणी लिखी। फिर डॉक्टर अम्बेडकर और श्री राजा का सर एस क्रिप्स को जो पत्र लिखा गया, सर आर लूमले मुंबई का मार्क्स ऑफ लीन लिथगो को पत्र है उदाहरण के रूप में बताया गया है, और फिर क्रिप्स का प्रस्ताव है द राइट ऑनरेबल माननीय सर स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक प्रस्तावों का मूल पाठ, जो आगे से हम लोग पढ़ा ये विस्तार से है। क्रिप्स प्रस्ताव पर डॉक्टर अम्बेडकर का भी वक्तव्य दिया गया है विस्तार से, जो बहुत लंबा होगा, आज के वाचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मार्क्स ऑफ लीन लिथगो को श्री एम पेरी को जो तार के द्वारा पत्र का जवाब दिया गया, युद्ध मंत्रिमंडल आलेख WP के द्वारा किया गया 6 जुलाई 1942 को। फिर उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मार्क्स ऑफ लीन लिथगो श्री एम पेरी को तार आया, उसके ऊपर 22 जुलाई का वर्णन है। फिर 24 अक्टूबर को फिर एक चिट्ठी आती है, डॉक्टर अम्बेडकर का मार्क्स ऑफ लीन लिथगो को पत्र आता है 29 अक्टूबर 1942 को। डॉक्टर अम्बेडकर लीन लिथगो को पत्र लिखते हैं 29 अक्टूबर 1942 को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरे विस्तार से चर्चा की है। फिर दिसंबर 1942 का फिर पत्र आता है, और फिर उसके बाद दोबारा फिर उसका जवाब मिलता है 7 जून 1945 को, डॉक्टर ऑफ फील्ड मार्शल वाई कांट लेवल को फिर एक पत्र लिखते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं उनको पत्र पूरा अनुसूचित जाति और तमाम जितने भी जो वर्ग थे यहाँ पर उनके बारे में। और फिर फील्ड मार्शल वाई काउंट लेवल वेवल का लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस को फिर पत्र आता है, जो वायसराय हाउस नई दिल्ली में 5 दिसंबर 1945 को मिलता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने हाल ही में 1946 में बजट सत्र में श्रम कानून बनाने के प्रस्ताव परिषद को प्रस्तुत किए थे, इसके ऊपर बड़े विस्तार से चर्चा की गई है, मैं और आगे बढ़ती हूँ इससे। मंत्रिमंडल प्रतिनिधियों फील्ड मार्शल वाइकाउंट वेवल और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच शुक्रवार को 5 अप्रैल 1945 को दोपहर 12 बजे आयोजित बैठक के लिए एक टिप्पणी है, जो गोपनीय रूप में डॉक्टर अम्बेडकर का वर्णन है पूरा का पूरा, जो बाद में पत्र को संपादित किया गया है।
डॉक्टर अम्बेडकर का भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवन को फिर पत्र है 3 मार्च 1946 को। ये तमाम पत्र व्यवहार हैं जो 8 फिर कार्यकारी परिषद के सदस्यों को फील्ड मार्शल वाइकाउंट वेवन को फिर पत्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया और फिर उनका जवाब आता है। डॉक्टर अम्बेडकर का राइट ऑनरेबल श्री ए वी अलेक्जेंडर सदस्य कैबिनेट मिशन को फिर पत्र लिखा गया है। डॉक्टर अम्बेडकर का लॉर्ड पैथिक लॉरेंस को पत्र 22 मई 1946 को फिर लिखा गया है, जिसमें विस्तार से वर्णन किया गया है कि कैसे सत्ता का हस्तांतरण होगा, तो हस्तांतरण होने के बाद उसमें क्या क्या चीजों का प्रावधान होना चाहिए। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस का डॉक्टर अंबेडकर को फिर पत्र है जो 28 मई 1946 को है, जो महत्वपूर्ण पत्र है। राय बहादुर शिवराज का फील्ड मार्शल वाइट काउंट लेवल को पत्र है। ये पूरा का पूरा एक पत्र व्यवहार है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तमाम जितने भी उस वक्त के जो सत्ता हस्तांतरण में भागीदारी जो लोग थे उन पे। डॉक्टर अम्बेडकर का श्री एटली को पत्र है 12 अगस्त 1946 को, जो बहुत महत्वपूर्ण पत्र आता है। प्रिय श्री एटली करके संबोधित करते हैं कि आपके 1 अगस्त 1946 के पत्र के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे यह आशा ही नहीं थी कि आप समय निकालकर मेरे लिए 1 जुलाई 1946 के पत्र का उत्तर देंगे, अतः मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। उसके बाद दोबारा अल्पसंख्यकों के बारे में क्या क्या उन्होंने मांग की दोबारा फिर दोहराई गई और फिर लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस का श्री एटली को पत्र आता है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस का श्री एटली को दोबारा फिर पत्र आता है। उसके बाद लास्ट में बनता है अनुसूचित जातियों पर प्रभाव डालने वाले भारत के संवैधानिक परिवर्तनों के विषय में मंत्रिमंडल कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समीक्षा करते हैं। अंतिम रूप से उनकी खंड 21 से मैं कुछ लाइनें कोट करना चाहती हूँ। व्यक्तिगत स्तर पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं नहीं मानता कि इस देश में किसी विशेष संस्कृति के लिए कोई जगह है, चाहे वह हिंदू संस्कृति हो या मुस्लिम संस्कृति, या कन्नड़ संस्कृति हो या गुजराती संस्कृति। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नकार नहीं सकते, पर उनको वरदान नहीं मानना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कोट है बाबा साहब अम्बेडकर का कि हम जो बार बार जो कन्नड़ संस्कृति, हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, गुजराती संस्कृति, ऐसे टुकड़े टुकड़ों में अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, उनके बारे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब था कि हम उसको नकार नहीं सकते, लेकिन वरदान भी वह नहीं है, बल्कि एक अभिशाप की तरह माना जाना चाहिए, जो हमारी निष्ठा को डिगाती है और हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। यह लक्ष्य है एक ऐसी भावना को जो विकसित करना कि हम सब भारतीय हैं। मैं फिर दोहराती हूँ, एक ऐसी भावना को विकसित करना कि हम सब भारतीय हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये माइलस्टोन की तरह वाक्य है कि वो उनका मानना था कि ये संस्कृतियाँ जो डिफरेंट डिफरेंट संस्कृतियाँ हैं, इन संस्कृतियों में जो हमारी संस्कृति है वो भारतीय संस्कृति के नाम से जानी जाए, वही हमारी संस्कृति है। इन्हीं शब्दों के साथ, पाठवाचन के साथ आप सबने मुझे सुना, मैं आप सबका आभार प्रकट करती हूँ। इसी तरीके से बने रहिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को हम 14 अप्रैल तक इसी तरीके से उन्हें साहित्य पर चर्चा करते हुए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को सेलिब्रेट करेंगे। आप सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को घर में मनाइए, व्यक्तिगत रूप से मनाइए, अपने परिवार के रूप में मनाइए, लेकिन मानने से ज़्यादा उनको जानना महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।